ऐसा कुछ नहीं है भाई, इधर पत्रिका गेट मत आओ भाई, एज अ ट्रैवलर आ रहे हो आप कहीं से दूर से, तो आप मत आओ इधर, बिकॉज ये ऐसा अच्छा ऐसा ट्रैवलर प्लेस नहीं है भाई ये, एज अ पिकनिक जैसा आप यहाँ पर रहते हो तो तुम यहाँ पिकनिक वगैरह पे आ सकते हो, बाकी घूमने वूमने आ सकते हो फोटोग्राफी के लिए, बट एज अ ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा। और सही बोलूँ ना भाई तो घूमने के लिए बहुत जगह है, जैसे हवा महल हो गया, नारगढ़ फोर्ट हो गया, बहुत सारी जगह है, आप उधर जाओ एज अ ट्रैवलर आ रहे हो, आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो। ये ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं देख लिया हूँ मैंने इसको, और ऐसा कुछ लगना नहीं है कि इसमें देखने लायक है, एज अ पिकनिक आ रहे हो आप सो आप ज़रूर विज़िट करो, ये फोटोग्राफी वगैरह चाहिए, वेडिंग शूट चाहिए, सो इधर आओ आप ज़रूर आओ। और मैं तो यही बोलता हूँ कि एज अ ट्रैवलर हो आप, अगर ट्रैवलिंग के बेस पे आ रहे हो इधर तो भाई मैं बोल रहा हूँ कभी मत आओ इधर, एज अ आप पत्रिका गेट देखने आ रहे हो कुछ मत आओ भाई, इधर कुछ नहीं है पत्रिका गेट पे, तो बस एक छोटा सा लुक दिखा दूंगा मैं आपको इसका, बस इतनी सी जगह है इसमें, बाकी एक गार्डन सा टाइप है जो कि पिकनिक के लिए बेस्ट है, और बाकी गार्डन तो तुम जयपुर में हर जगह देख लोगे वैसा ही गार्डन है, पिकनिक के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है वैसे। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहे हो ऑब्वियस यार कपल्स के लिए बेस्ट है क्योंकि उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, सो आई थिंक सबको उसके लिए जाना चाहिए। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, लुक दिखा देता हूँ इसका, बाकी फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है भाई ये, कसम से बेस्ट है। दिस इज़ द गार्डन जो कि मैं बोल रहा था, ये इतना सा गार्डन है, ये पिकनिक के लिए बेस्ट है, बाकी अगर आप ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हो भाई मत आओ, कसम से बोल रहा हूँ। एक ये है देखने के लिए इधर, इसमें फ़ोटो अच्छी आती है, फ़ोटो खिंचवा सकते हो आप लोग, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है भाई, वेडिंग शूट्स और फोटोग्राफीज, बट ऐसा ट्रैवलिंग प्लेस नहीं है जो कि आप दूर से आओ कहीं, मैं सही बोलूँ तो। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा यार गाइस, देखो अगर वेस्टेज कर रहे हो ना पैसा तो इस जगह पे तो बिल्कुल मत करो क्योंकि इट्स नॉट ए गुड थिंग। मैं बोलूँ जल महल जाओ, ऐसी ऐसी जगह पे जाओ भाई, एक नंबर कूल, हवा महल जाओ इनसाइड द हवा महल भाई, सब कुछ मिल जाएगा। पूरी फ़ोटो वोटो क्लिक करवाइए दीदी वगैरह से यार थोड़ा सा, बाकी अच्छा है, ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है, बाकी ऐसे फ़ोटो शूट के लिए बेस्ट है। और इधर देखो इट्स अ पार्किंग, ये पार्किंग है ठीक है, इधर पार्क कर सकते हो आप कार गाड़ी बाइक जो भी है आपकी, पार्किंग है बाकी इतना। ये देखो फोटोग्राफी के लिए भाई जो चीज़ है भाई ये कसम से भाई बहुत प्यारी चीज़ है, फोटोग्राफी के लिए बहुत प्यारी चीज़ है। आई थिंक ये पार्क है इधर, चलो दिखाता हूँ पार्क भी, लेट्स सी एज अ वेडिंग शॉट वगैरह सब अच्छी चीज़ें हैं, चलो लेट्स गो टू और देखते हैं। ओके एंड आई थिंक इट्स बेटर नाउ, ये कुछ बेटर पार्क है उस वाली से, है ना गाइस, इट्स बेटर वन। सो इधर बहुत लंबा पार्क है आई थिंक ये वाला, तो भाई धूप में तो बिल्कुल मत आना। ये यशराज भोगता भी है क्या, ये वाला यशराज भोगता है, वो वाला यशराज भोगता नहीं है, रोता है, दोस्ती है यार बहुत सालों की, मैं तो यही बोलूँ। सो आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, इज द फाउंटेन एंड दिस इज यशराज, यशराज हर जगह ये क्या विनोद है क्या भाई, तू मजाक बन गया जोकर, ये फाउंटेन टाइप का है, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है यार, बेटर लग रहा है थोड़ा, मतलब तो पार्क में सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ ना तो ये लगी है, और एक गेट लगा पत्रिका का, जो पत्रिका गेट है। और लोकेशन गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, नीचे मिल जाएगी सब कुछ लोकेशन वगैरह। और मौसम देखो यार कितना प्यारा हो रहा है, ये देखो कीड़े उड़ रहे हैं, वो जो क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको टिड्डा बोलते हैं, वैसे तुम्हारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ, ठीक है तुम्हारी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं कमेंट करके बताओ। और ये जो लग रहा है ना भाई, आई थिंक जब उड़ता होगा सोचो कैसा फील होता होगा यार,
है ना, फील तो अच्छा ही होता होगा भाई। मैं बहुत आगे आ गया हूँ, ये जोकर कौन है समझ गए होंगे कौन है, अभी डिस्ट्रैक्ट भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। जोकर जबरिया रहा, सॉरी गाइस, तुम पता है गाइस मैं अकेला आता नहीं हूँ, वैसे यशराज को साथ लाता हूँ, आज यशराज नहीं है, इज इन अ कॉल इज राइट नाउ, सो वी आर आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स बट ही इज़ नॉट पिकिंग द कॉल, बट वरी अबाउट इट, वी जस्ट विजिट अलोन एंड यू नो वॉट, लाइफ इज़ वेरी लोनली, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट किल इट, ओके भाई। लॉयल गाइज को नहीं मिलता है भाई गर्लफ्रेंड का प्यार, यू नो लॉयल गाइज होते ना उनको नहीं मिलता है। अब मैं हंस रहा हूँ उसी स्माइल से पता लग गया होगा तुम्हें क्या हूँ मैं, गर्लफ्रेंड नहीं बनाते भाई हम, वाइफ बनाते हैं, इसलिए लोगों की चिड़ मिचती है, समझ रहे हो। इट्स अ जिम वन, इट्स ओपन जिम, ओके इट्स ओपन जिम, ओपन जिम एंड कपल्स एंड कपल्स 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 एवरीवेयर, कपल एवरीवेयर, कंप्लीट होल जयपुर में ना भाई, कम से कम हर कोई भी ट्रैवलिंग प्लेस पे चले जाओ भाई, कपल ही कपल मिलेंगे तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम बैठ के मस्त देख सकते हो। सिंगलों के लिए कहीं जगह नहीं है भाई, ऑफिसेज में भी भाई सिंगलों के लिए कोई जगह नहीं है, सही बोल। एंड सो नेक्स्ट वीडियो आप सोच लो कहीं की कहाँ की बनानी है, मैं आपको विजिट करके दिखाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा उस चीज़ के बारे में, और हम गाइड भी यूज़ करेंगे, कन्फर्म कह रहा हूँ गाइड भी यूज़ करेंगे उस जगह का, कि हु मेड इट, हु स्टार्टेड इट एंड एवरीथिंग, ओके। यू जस्ट गो ऑन कॉमेंट बॉक्स, यू जस्ट कॉमेंट ऑन इट, वी नीड द वीडियो ऑन दिस प्लेस, आई विल गो इट, ओके आई विल गो फॉर इट। अबे आंटी से पूछा मैंने, मैं उल्टी साइड जा रहा हूँ, रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, उधर उधर है ही नहीं पत्रिका गेट, वो बोल रहे इधर जाओ, क्या ही बोल रहे इधर जाओ, यार क्या पागल समझ रखा है यार, जोकर थोड़ी ना हूँ। सो लेट्स सी वेयर यू वांट टू गो, आई थिंक इस साइड है यार, इस साइड कन्फर्म इस साइड है, लेट्स गो, आई वॉन्ट टू गो, लेट्स रन रन फास्टली, ये पस्ती का गेट, आई न्यू इट, बट मैंने आंटी से पूछा भाई जोकर बना दिया मेरे को जोकर जबरिया, बिकॉज आंटी बोलती है कि इधर जाओ, इधर जाके ओपन में मिलेगा आपको पत्रिका गेट सामने ही, और मैं इधर उधर जा रहा हूँ पीछे, फूल ब्रो फूल, मैड कंप्लीटली मैड, लेट्स सी, कुछ है नहीं। ये बने हुए हैं यहाँ पे भाई, मूर्तियाँ बनी हुई है इन लोगों की, आई डोंट नो हू इज़ ही, इधर कोई गाइड भी नहीं है जिनसे पूछे, बट लेट्स ट्राई, सेनापति होंगे आई थिंक, ये इट इज पत्रिका गेट, गुड वन यार ब्रो, गुड वन गया मेरा, अब मैं जाऊंगा घर, और मैंने राइडर बुक कर लिया, वैसे राइडर आ रहा है मेरा, ऊबर कराया मैंने और अब राइडर आ रहा है, तो उससे जाता हूँ मैं घर, आराम करूँगा थोड़ी देर, फिर ब्लॉग एडिट करके आपको पोस्ट मिल जाएगी 12 बजे समथिंग अबाउट, 12 बजे आपको पोस्ट मिल ही जाएगी नाइट में, फिर कल का कहीं और देखते हैं कल क्या करते हैं, लेट्स सी, चलो गुड नाइट एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, जो भी टाइम पे आप देख रहे हो वो वाली, ठीक है। So we are going to home. So rider is on a way. Rider is coming. You know it's a Patrika gate. And यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, Patrika gate. जयपुर भाई स्वीटेस्ट सिटीज में एक है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, जयपुर स्वीटेस्ट सिटीज में एक है भाई, नाम है भाई जयपुर का, मैं तो 6 साल से रह रहा हूँ, मैं बता 6 साल से रहा हूँ बट मैं घूमने कहीं नहीं गया हूँ गाइस, तो मैं सोच लो तुम कैसा फील होता होगा, मतलब उसी प्लेस में रह के और उसी जगह नहीं जाना, क्या मेरे को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, सही बोलूँ तो
मैं ऐसी जगह जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ जहाँ पर मज़ा आए। और इधर मैं मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह नहीं थे, ऑब्वियस मेरा मन नहीं था आने का, बट मेरा इंटरव्यू रह गया था इस वजह से मैं आया इधर घूमने, और मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए आई थिंक। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी किस पे मिलेगी, आमेर फोर्ट पे, ठीक है, आमेर फोर्ट जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए एक बार यहाँ पे लाइक कर दो इस वाली वीडियो को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, जिससे कि, और बेल आइकन ऑन कर लेना जिससे कि नोटिफाई हो जाए कि हमारा ब्लॉग डल चुका है, ठीक है। गुड नाइट। नाम तेरे बेट मिलूगी, सच बोलेगी तब 295 जे करेगा तरक्की पुत्र मीडिया के बन बैठे अज दे गवार, एक झूठ बोल दिया ओ भी बार बार।